तो 2022 विधानसभा चुनाव में जाति विशेष की पार्टी का चोला उतार कर अब समाजवादी पार्टी प्रदेश की सभी पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश में लगी। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले तमाम छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने के बाद अब चुनाव से पहले पिछड़ी जातियों को लामबंद करने के लिए ऐलान कर दिया है। अखिलेश ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो 3 महीने के अंदर यूपी में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सपा की सरकार बनी तो किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली सरकार अगर जनगणना नहीं करती है जातियों की तो समाजवादी सरकार आएगी तो जातियों की जनगणना 3 महीने में कर करके दिखा देगी।